हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बार्क की तरफ से एक लेटेस्ट नोटिस जारी कर दिया गया है फ्रेंड्स। जो बार्क में वैकेंसी आई थी, टोटल देख सकते हैं आप लोग, नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2023/बार्क, यानी जो बार्क में वैकेंसी आई थी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो चाहे फिर कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 करके जो वैकेंसी आई थी फ्रेंड्स, बहुत सारा जो कि ऑल ओवर इंडिया में था। तो उसमें टोटल कितने एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए हैं उसका पूरा जानकारी दिया गया है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें, आप लोग को पूरी जानकारी मिलेगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों ने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, आप लोग उसमें देख सकते हैं कितना कंपटीशन है। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जिसका पोस्ट को 01 bioscience/life science biochemistry एंड माइक्रो बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, इसमें EWS के लिए, जो कि EWS का सिर्फ सीट था, तो उसमें टोटल 425 एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए हैं। फिर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट केमिस्ट्री के लिए इसमें टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं, तो टोटल 11,159 फॉर्म भरे गए हैं। और आप लोग अपना अपना कैटेगरी भी देख लीजिएगा, SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, OBC, AWS और फिर UR। ऐसे में अगर पूरा बताऊंगा तो आपको ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं हम लोग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फिजिक्स के लिए। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में फिजिक्स के लिए टोटल 9,971 फॉर्म भरे गए थे। फिर यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंतर्गत आर्किटेक्चर के लिए टोटल 718 फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर PWD के लिए भी बताया गया है, PWD में कितने टोटल फॉर्म भरे गए हैं, इधर भी आप लोग देख लीजिएगा जो PWD के कैंडिडेट होंगे। फिर यहाँ पर देख सकते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट केमिकल के लिए टोटल 3827 वैकेंसी फॉर्म भरे गए हैं। फिर सिविल के लिए टोटल 17,409 फॉर्म भरे गए हैं। कंप्यूटर साइंस के लिए 9,636 फॉर्म भरे गए हैं। फिर आगे देखते हैं हम लोग ड्रिलिंग, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ड्रिलिंग के लिए टोटल 2561 फॉर्म भरे गए हैं। फिर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इलेक्ट्रिकल के लिए, तो इलेक्ट्रिकल के लिए भी 17,280 फॉर्म भरे गए हैं। फिर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया, इलेक्ट्रॉनिक में टोटल 13,806 फॉर्म भरे गए हैं। फिर आगे देखते हैं हम लोग इंस्ट्रूमेंटेशन में टोटल 1626 फॉर्म भरे गए हैं। मैकेनिकल, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंतर्गत मैकेनिकल में टोटल 24,717, जो कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा फॉर्म इसी में भरे गए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मैकेनिकल में सबसे ज़्यादा। फिर आगे देखते हैं हम लोग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मेटलर्जी के अंतर्गत, तो मेटलर्जी में मात्र 604। फिर माइनिंग के अंतर्गत, तो माइनिंग के लिए 713। और फिर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लिए 392 फॉर्म भरे गए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सबसे कम फॉर्म भरे गए हैं, तो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में। फिर यहाँ पर देखते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए, जो कि पोस्ट आया था फूड टेक्नोलॉजी होम साइंस, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर टोटल 3,977 फॉर्म भरे गए हैं। फिर आगे हम लोग देखते हैं स्टिपेंड्री ट्रेनिंग कैटेगरी 1, जो कि डिप्लोमा वालों के लिए था, ठीक है। इसमें देख सकते हैं आप लोग बायोकेमिस्ट्री, बायो साइंस, लाइफ साइंस और बायोलॉजी, इसमें टोटल 4,587 फॉर्म भरे गए हैं। फिर यहाँ पर कैटेगरी 1 जो कि केमिस्ट्री के लिए था, यहाँ पर आप जो BSc वाले स्टूडेंट हैं वो फॉर्म को अप्लाई किए होंगे, जिसमें टोटल 13,452 फॉर्म भरे गए हैं। फिर यहाँ पर फिजिक्स के लिए टोटल, तो फिजिक्स के लिए 9,212 फॉर्म भरे गए हैं। कंप्यूटर साइंस के लिए टोटल 2,574 फॉर्म भरे गए हैं। फिर एग्रीकल्चर के लिए, तो एग्रीकल्चर के लिए 879 फॉर्म भरे गए हैं। फिर यहाँ पर कैटेगरी 1 के अंतर्गत हॉर्टिकल्चर में 423 फॉर्म भरे गए हैं। केमिकल के लिए देखें हम लोग, जिन्होंने डिप्लोमा किया है केमिकल में, फिर कैटेगरी 1 जो भी, यही फ्रेंड्स, आप लोग बस वीडियो के अंत तक बने रहें, आप लोग को अपना देख लेना है कंपटीशन कितना है और आप लोग को किस तरीके से तैयारी करनी है। तो केमिकल में 3,679 फॉर्म भरे गए हैं। फिर यहाँ पर इलेक्ट्रिकल देखें, इलेक्ट्रिकल के लिए 23,287 फॉर्म, जो कि यहाँ पर कैटेगरी 1 के अंतर्गत सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल ब्रांच में ही फॉर्म भरे गए हैं, 23,287। इलेक्ट्रॉनिक्स में देख लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में मात्र 7,305 फॉर्म भरे गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन में मात्र 1,026 फॉर्म भरे गए हैं। मैकेनिकल में भी बहुत ही अच्छा खासा 20,682 फॉर्म भरे गए हैं। फिर आगे देख लेते हैं हम लोग मेटलर्जी के लिए टोटल 302 फॉर्म भरे गए हैं। आर्किटेक्चर के लिए मात्र 99। सिविल के लिए 13,017 फॉर्म भरे गए हैं। ऑटोमोबाइल के लिए 448 फॉर्म भरे गए हैं। और इंडस्ट्रियल सेफ्टी के लिए मात्र 83। तो यहाँ पर कैटेगरी 1 के अंतर्गत सबसे कम फॉर्म भरे गए हैं इंडस्ट्रियल सेफ्टी में, मात्र 83 फॉर्म भरे गए हैं। फिर आगे देख लेते हैं बॉयलर अटेंडेंट के लिए, जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंतर्गत है टेक्नीशियन बी में, यहाँ पर 1101 फॉर्म भरे गए हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं फ्रेंड्स कैटेगरी 2, ठीक है। कैटेगरी 2 के अंतर्गत यहाँ पर सबसे पहले ITI फीटर वालों के लिए टोटल 17,812 फॉर्म भरे गए हैं। टर्नर मशीनिस्ट के लिए 4,436 फॉर्म भरे गए हैं। बिल्डर के लिए 1614 फॉर्म भरे गए हैं। मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस के लिए 173 फॉर्म भरे गए हैं। इलेक्ट्रीशियन के लिए देख सकते हैं आप लोग 27,890 फॉर्म, जो कि सबसे ज़्यादा है। चाहे आप लोग बात करें
डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंतर्गत या फिर कैटेगरी वन के अंतर्गत, और कैटेगरी टू जो कि सबसे ज़्यादा फॉर्म इसी में भरा गया है इलेक्ट्रीशियन में 27,890, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में हम लोग देखें तो 3,593 फॉर्म भरे गए हैं, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में 523 फॉर्म भरे गए हैं। आगे देख लेते हैं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन मैकेनिक के लिए 1428 फॉर्म भरे गए हैं, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए 596 फॉर्म भरे गए हैं, ड्राफ्टमैन सिविल के लिए 430 फॉर्म भरे गए हैं, मैसोन के लिए 106 फॉर्म भरे गए हैं, प्लम्बर के लिए टोटल 315, कारपेंटर के लिए 341 और मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए 994 फॉर्म भरे गए, डीजल मैकेनिक के लिए मात्र 721 फॉर्म भरे गए हैं। फिर यहाँ पर देखते हैं प्लांट ऑपरेटर, प्लांट ऑपरेटर ने बहुत ही अच्छा खासा फॉर्म है फ्रेंड, 24,459 प्लांट ऑपरेटर में 24,459 फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है। फिर लेबोरेटरी असिस्टेंट में 11,051 फॉर्म भरे गए हैं, डेंटल टेक्नीशियन हाइजेनिस्ट के लिए मात्र 13 और फिर डेंटल टेक्नीशियन मैकेनिक के लिए मात्र 12। तो यहाँ पर सबसे कम फॉर्म भरा गया है डेंटल टेक्नीशियन मैकेनिक के लिए मात्र 12 फॉर्म, और हम लोग टोटल फॉर्म की बात करें फ्रेंड्स तो टोटल फॉर्म भरा गया 317,484 फॉर्म भरे गए हैं टोटल, ठीक है, जो बार के अंतर्गत वैकेंसी आई थी ऑल ओवर इंडिया के लिए, जिसमें पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट ने 1610 फॉर्म भरा है, ठीक है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए सब फॉर्म भरे गए हैं, और डेट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी नोटिफाइड शॉर्टली, तो आपका एग्जाम भी बहुत ही जल्द होने वाला फ्रेंड्स, तो आप लोग को आशा करता हूँ पूरी जानकारी मिल गई होगी। इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोग चैनल पर विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि आप लोग को हर अपडेट मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।